भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय भीलवाड़ा को परिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर शिकायत दर्ज की गई कि अरसमणि कॉलोनी के अंदर उसके भाई का निर्माणाधीन मकान है, उस पर विद्युत मीटर लगवाने के लिए AVVNL से जो कनेक्टेड जो कंपनी है, सिक्योर कंपनी, इसमें इन्होंने 21 तारीख को आवेदन प्रस्तुत किया है और सारे दस्तावेज और सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर दी है। इसके लिए जो मौका रिपोर्ट करने के लिए जो सिक्योर कंपनी के जो कार्मिक और अब्दुल मजीद नाम का जो व्यक्ति आया है, जो अपने आप को सिक्योर कंपनी का कार्मिक बताता है और आपकी मीटर लगाने की जो मौका रिपोर्ट में तैयार करके जल्दी कंपनी में पेश कर दूंगा तो आपका मीटर जल्दी लग जाएगा, इसके एवज में इसने 3,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग की गई थी। 25 तारीख को डिमांड वेरिफिकेशन कराया गया तो जिसमें परिवादी द्वारा रिक्वेस्ट करने पर 2,000 रुपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ। आज इसको वही पारसमणि कॉलोनी के अंदर परिवादी के जो घर का मकान है उसके बाहर 2,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए इसको रेड हैंडेड पकड़ा है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर, इसमें फिलहाल किसी की मिली भगत के सामने आई क्या? इसमें जो सिक्योर कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अभिषेक, अभी हम इसी ऑफिस में बैठकर कार्रवाई कर रहे हैं, अभिषेक से इसी मौके पर भी इसकी वार्ता करवाई गई थी। एक्चुअली ये जो अब्दुल मजीद अंसारी है ये काफ़ी टाइम से ये इस सिक्योर कंपनी में काम नहीं कर रहा है, पूर्व कार्मिक है, लेकिन फिर भी ये मौके पर जाकर परिवादी से रिश्वत मांग कर रहा है और उसका कार्य करवाने की इसके सिक्योर कार्मिक सिक्योर अधिकारियों के नाम से रिश्वत राशि ले रहा है। मौके पर हमने इसका डिमांड नोटिस इसने इश्यू किया है और इसके संबंध में डिटेल इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई जारी। और भी कर्मचारी हैं सिक्योरिटी इसमें लिए? अभी तक इसमें इस प्रकरण पर्टिकुलर प्रकरण में अभिषेक और इसका अब्दुल मजीद का नाम है। इसके अलावा और भी कोई जांच होगी और भी कोई क्लू मिलेगा तो जांच की। सिक्योर के कौन कौन कर्मचारी हैं सर? इसमें अभी तक अभिषेक का नाम सिक्योर जो अभी तक यहाँ भीलवाड़ा में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसका नाम सामने है, क्योंकि ये काम छोड़ चुका है, अब्दुल मजीद काम छोड़ चुका है, ये किसी भी तरीके से टाइटल भी नहीं था मौके पे जाकर मौका रिपोर्ट करने, और इसीलिए इसकी अभिषेक की मिली विगत पाई।